Hello girls, so today our topic is social organization in termites. So our next topic is social organization in insects. Social organization in insects का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम humans हैं, हम एक society में रहते हैं, एक social behavior है हमारा, साथ में काम करना, साथ में एक दूसरे की help करना, एक society में रहना. तो उसी तरीके से ये organization सारे insects नहीं show करते. ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हनी बीज और टर्माइट्स जो हैं ये शो करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इनका बिहेवियर जो है ये एक्सक्लूसिव इंसेक्टा क्लास में रिप्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्माइट्स से. जो टर्माइट्स होती हैं वो वाइट एंट्स होती हैं, जैसे कि आपने ब्लैक एंट्स देखी होंगी एक, जो जिनको हम काले कीड़े भी बोलते हैं, ठीक है, चींटियां होती हैं. टर्माइट्स जो होती है वाइट एंट्स होती हैं, जिनको हम सियोंख बोलते हैं, ठीक है. और ये आपने देखा होगा कि वुडन पे लगती है, घर में फर्नीचर पे लग जाती है, अलमारियों में लग जाती है, वुडन बेसिकली में लगती है, या फिर ये बाहर फील्ड्स में जो है पेड़ होते हैं पेड़ों पे लग जाती है, लॉग्स पे, टूटी हुई लकड़ियों पे. हम कहते हैं कि पेड़ जो है वो खाया गया है तो वो टर्माइट से खाया जाता है, ठीक है. तो इनका जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लास इंसेक्टा है, अगेन सब क्लास टेरिगोटा है, डिवीजन एक्सोटेरिगोटा हो गया क्योंकि इनके जो विंग्स हैं वो एक्सटर्नली अराइज होते हैं. ऑर्डर आइसोप्ट्रा हो गया. आइसोप्ट्रा का आइसो का मतलब आपको बताया हुआ है कि इक्वल विंग्स होते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सेम लेंथ के होते हैं. टर्माइट्स के नाम से फैमिली याद रखनी है, टर्मिटिडी. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये आपको ट्रॉपिकल गरम कंट्रीज, टेम्परेट कंट्रीज में मिलेंगे, ठीक है. जो सबसे कॉमन हमारे पंजाब और हरियाणा में इसकी स्पीशीज है माइक्रोटर्मिस ओबेसा, जो सबसे ज्यादा फेमस है. अब इनकी हैबिट्स यहाँ की कॉलोनियल है, मैंने आपको बताया कॉलोनी बना के रहती हैं अलग, इकट्ठा होके सोशली. पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं, ये भी हम आपको बताऊंगी मैं कैसे होता है. एंड सोशल इंसेक्ट्स हैं. तो जो इनकी कॉलोनी होती है, पहली बात तो कभी भी आपको टर्माइट्स दिन में नहीं दिखेंगी, ये हमेशा आपको अंधेरे में दिखेंगी. टनल्स बना के रहती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी के वुडन टनल्स वहां पे ब्रोकन डिगिंग कर लेंगी, उनमें होल्स में रहेंगी. ट्री की लॉग्स में टूटी हुई लकड़ियां हो गई, पेड़ पोल्स हो गए, फर्नीचर के टुकड़े हो गए, लिविंग ट्रीज में हो गए. तो जहां पे रहती हैं, तो आपने कई बार सड़कों पे भी देखे होंगे इस तरीके के टर्मिटेरियम होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं ये, ठीक है. तो ये एक्चुअली में यहाँ अगर आप इसको तोड़ के देखोगे आपको यहाँ कोई टर्माइट नहीं दिखेगी. एक्चुअली ये अर्थ के नीचे कितनी फिट नीचे जो है ये इनके घर होते हैं यहाँ पे. तो इस इनके घर को क्या बोलते हैं हम, टर्मिटेरिया बोलते हैं. तो टर्मिटेरिया जैसे हमारे घरों में रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, तो इनके भी टर्मिटेरिया में नीचे धरती में अर्थ में नीचे गैलरीज होती हैं, चैम्बर्स होंगे, कमरे होंगे, वहां पे इन्होंने गार्डन्स बनाए होते हैं. गार्डन्स इन द सेंस कि वहां फंगस उगाते हैं ये लोग, फंगस को ही ये फीड करते हैं, फंगस पे ही ये फीड करेंगे, ठीक है. तो ये कमरे जो है इनके गैलरीज कैसे बनाते हैं, जैसे हम ईंटों को जोड़ के बनाते हैं, ये मिट्टी के ग्रेन्स को जोड़ जोड़ के ग्लू करते रहते हैं. हम सीमेंट यूज करते हैं तो इनका सीमेंट क्या होता है, ये अपने सलाइवा से ही इन ग्रेन्स को जोड़ते हैं, तो जब ये ड्राई हो जाता है तो ये सीमेंटेड हो जाता है, ठीक है. तो टर्मिटेरियम नॉर्मली अंडरग्राउंड होते हैं, कई बार तो आपको ये चीज ऊपर दिखेगी भी नहीं लेकिन उसके नीचे जो है वो टर्मिटेरियम होगा. तो 1 से 7 मीटर हाइट तक का कई बार इतने ऊंचे ऊंचे भी दिखते हैं ये. तो जो मैं से आपको बता रही थी कि भाई टर्मिटेरियम जो है वो कई बार ऊपर से दिखते नहीं है लेकिन नीचे जो है वो सियोंग होती है. तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे घर में कई बार होता है कि लकड़ियों में अलमारियों में सियोंख लग जाती है और हमें पता नहीं लगता कि कहाँ से आ रही है, तो हम उसको क्लीनिंग भी करवाते हैं बाहर से, जो ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो ये इसको इसकी जो सैनिटेशन करने आते हैं, जो रिमूवल करने आते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर से लग जाती है. तो क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली में जो सियोंख है वो वुडन में नहीं लगी थी, वो एक्चुअली में वहां पे उस एरिया में नीचे ग्राउंड में है, अंदर है उनके गैलरीज. तो जैसे जैसे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वो सियोंख ऊपर आती जाएगी. तो इसलिए अगर सियोंख को खत्म करना होता है तो हमें उसका ये टर्मिटोरियम सिर्फ ऊपर से नहीं निकालना है, तोड़ना यहां तक तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें उसका घर तोड़ना पड़ेगा जो कि उसका अंडरग्राउंड होता है, ठीक है. नाउ वॉट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड सोशल लाइफ. अब हम क्यों बोल रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अलग अलग कास्ट सिस्टम में मिलती है, ऐसा नहीं कि सारी पॉपुलेशन सेम होगी. और सोशल लाइफ अपना जो है ये अपना गुजारती है वो कैसे. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि इसकी कॉलोनी में आपको 2 कास्ट दिखेंगी, एक फर्टाइल कास्ट होगी सेक्शुअल या रिप्रोडक्टिव, दूसरा बोलते हैं हम स्टराइल कास्ट नॉन सेक्शुअल. फर्टाइल कास्ट में आपको 3 तरीके के टर्माइट्स दिखेंगे एक ही कॉलोनी में, लार्ज विंग्ड दिख सकती हैं,
मैक्रो टेरस बोलेंगे, शॉर्ट विंग्ड ब्रैकी टेरस बोलेंगे, विंगलेस ए टेरस। पर ये तीनों की तीनों कास्ट फर्टाइल होंगी, मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, सेक्सुअल बिहेवियर होता है। तो जो लार्ज विंग्ड इंसेक्ट्स जो आपको इसमें दो ही दिखेंगे, उसमें से एक किंग होगा और एक क्वीन होगी। जो शॉर्ट विंग्ड होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रैकी टेरस मतलब क्या, अगर इस कॉलोनी में एक ही किंग होता है एक ही क्वीन होता है, अगर वो मर जाए, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाए, तो अब वहां पे सब ये जो शॉर्ट विंग्ड वाले में से ही सप्लीमेंट्री किंग और क्वीन को सेक्सुअली एक्टिव कर दिया जाता है और वो अब बिहेव करेंगी उस कॉलोनी के किंग और क्वीन की तरह। विंगलेस जो ए टेरस होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं और वो बहुत प्रिमिटिव स्पीशीज में मिलती थी। इनमें कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, ना इनमें कंपाउंड आइज होती है, ना ओसिलाई होते हैं, ना सेक्स ऑर्गन होते हैं। विंगलेस होती हैं क्योंकि ए टेरस हैं, विंगलेस होती हैं, तो ये पहले कई स्पीशीज में मिलती थी, अब ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये देखो इस तरीके का टर्मिटेरियम दिखता है आपको, यहाँ पे एक किंग और क्वीन इसके अंदर कॉलोनी में दिखेगा और उसके बाद बाकी जो आपको डॉट्स दिख रही है मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है वो है कि ये कैसे स्टराइल कास्ट होती है, हम आगे बताते हैं। दूसरी होती है स्टराइल कास्ट। स्टराइल मतलब इनका काम अब फर्टिलाइजेशन नहीं है, इनमें ऑब्वियसली सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होंगे, जेनिटल ऑर्गन्स होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनमें तीन तरीके के आपको इस कॉलोनी में दिखेंगे, वर्कर्स भी दिखेंगे, सोल्जर्स भी दिखेंगे, नस्यूट्स भी दिखेंगे। तो अभी आपको समझ आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है, फर्टाइल कास्ट भी है, स्टराइल कास्ट भी है, ठीक है। किंग और क्वीन दिखेंगे आपको जो विंग्ड होंगे, और इधर से आपको वर्कर्स, सोल्जर्स और नस्यूट्स दिखेंगे, वो भी आप देखोगे इनमें विंग्स होते ही नहीं है। तो इतनी सारी कास्ट जो है एक ही कॉलोनी में दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्योंकि ये सारे इकट्ठे रहते हैं और आप इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, पूरी कॉलोनी को अपना घर जो है वो बचा के रखते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सोशल लाइफ। तो ये देखो ये किंग दिखाया हुआ, ये क्वीन दिखाई हुई, अगर आप इसको देख रहे हो तो किंग और क्वीन जो है वो दोनों में विंग्स होंगे और इनकी बॉडी में, ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा है कि इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत लंबे इनके अब्डोमन तक जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आप देख रहे हो कि ये ट्रू रॉयल कपल बोलते हैं इसको, काइटनिस्ट बॉडी होती है इनकी, ब्राउन ब्लैक कलर के होंगे, विंग्स बहुत बड़े हैं, कंपाउंड आइज वेल डेवलप्ड है, ओसिलाई भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मेन जो फंक्शन ऑफ क्वीन का क्या होता है, उसका काम है सिर्फ एग लेइंग करना और वो कोई काम नहीं करेगी कॉलोनी के अंदर, और किंग का काम होता है सिर्फ इसको फर्टिलाइज करना, बेसिकली ही इज द फादर ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि किंग जो है वो बनता कैसे है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, तो जो क्वीन ने जो एग ले किया होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म से, उसी से मेल बनता है और ये किंग बनेगा। पर इसको डाइट इतनी अच्छी दी जाती है कि ये उस कॉलोनी का किंग बन जाता है, अगर ये मर जाता है तो इसको न्यू वन से रिप्लेस कर दिया जाता है। जो स्टराइल कास्ट होती है मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंट इनमें और इनमें क्या फर्क है फर्टाइल और स्टराइल में, एक तो विंगलेस होती हैं, विंग नहीं होगा, आईलेस, आईज भी नहीं होंगी, ब्लाइंड होती हैं और कलरलेस होती हैं, ठीक है। तो बड़ा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गए। सेक्सुअल ऑर्गन्स रूडिमेंटरी होंगे, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकती, तो ये मैंने आपको बताया ये तीन टाइप्स की हैं। इसमें जो है हमारे पास ये आ जाते हैं वर्कर्स, सोल्जर्स और नस्यूट्स। तो वर्कर्स के अंदर देखो हमारे पास क्या आते हैं, वर्कर्स बनते किससे हैं, फर्टिलाइज्ड एग से बनेंगे, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है देखो छोटे से जो आपको दिखती है एक्चुअली में बाहर जो सियोंक लगी हुई दिखती है वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो आप देखते हो कि लकड़ी पे लग गई है। तो ये बहुत स्टंटेड ग्रोथ, छोटे से हाइट के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इन्फीरियर डाइट इनको मिलती है। डायमॉर्फिक का मतलब ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल एंड लार्ज बोलते हैं, कई स्पीशीज में ट्राइमॉर्फिक भी होंगे। अब यही तो वुड खाते हैं, अब ये वुड खाते हैं तो इनका मतलब इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स होंगे जिससे कि वुड को च्यू कर सकते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन इनका हो गया कि ये वुड को च्यू करते हैं। तो दूसरा ये अपना जो इनका पूरा टर्मिटेरियम का नेस्ट है, कंस्ट्रक्टर्स भी यही है, रिपेयर भी यही करते हैं, खाना भी यही बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी अपनी कॉलोनी में सबको करते हैं, जो एग्स फीमेल ले करती है उनको देखते देखभाल भी करते हैं, जो निम्स बन रहे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, कपल, रॉयल कपल होता है, इन सबको ये ध्यान देते हैं, इनको फीड भी करते हैं, ठीक है। और अपने टर्मिटेरियम में जो फंगस आपको बताया उसको भी यही उगाते हैं, उसका भी ये ध्यान रखते हैं। तो सारा जो टीडियस काम है वो सारा वर्कर्स करते हैं। दूसरे होते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं वर्कर्स से और थोड़े स्क्लेराइटाइज भी ज्यादा होते हैं, थोड़ा बड़े भी होते हैं, लेकिन इनमें जो मैंडिबल होते हैं वो सिरेटेड सिक्कल शेप होते हैं, देखो इस तरीके के होते हैं। यही डिफरेंस है वर्कर और सोल्जर में, इनमें ग्नोइंग के लिए होते हैं, ये सिक्कल शेप तीखे होते हैं बहुत। सोल्जर नाम से पता लग रहा है क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा इनका, बेसिकली ये कोई भी इनकी
कॉलोनी में कोई स्नेक आ जाए, कोई लिजर्ड आ जाए, कोई स्पाइडर अरैकनिड आ जाए, कोई भी इंट्रूडर आ जाए, उसको ये मैंडिबल्स के साथ किल कर देंगे। ठीक है, कॉलोनी डिफेंडिंग का काम है। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं नस्यूट्स। अब ये नस्यूट्स क्या होते हैं कि इनके पास मैंडिबल, उसमें उसमें क्या थे मैंडिबल वर्कर्स में, कि वो गनोइंग के लिए थे, सोल्जर वाले में से रिलेटेड थे। नस्यूट्स वाले में वेस्टिजियल मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें यूनिक फीचर होता है इनका जो हेड होता है वो रोस्ट्रम में प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे इनके पास एक ग्लैंड होता है फ्रंटल ग्लैंड। तो अगर कोई भी एनिमी आ जाए तो ये क्या करते हैं, इस ग्लैंड से एक स्टिकी सिक्रीशन जो है सिक्रीट करते हैं, उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि वो एनिमी पैरालाइज होके मर जाता है, किल कर देते हैं एमोल। तो इनका भी काम क्या है, केमिकल वॉरफेयर, केमिकल सिक्रीट करके अपनी कॉलोनी को बचा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि देखा गया है कि टर्मिटेरियम्स में जो है सोल्जर और नर्स्यूट्स का जो काम है, वो दोनों का काम कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फीडिंग। टर्माइट खाती क्या है, इनको फीड किस पे करते हैं, दे फीड ऑन लिविंग और डेड प्लांट मटेरियल, सेल्यूलोज होता है उसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि व्हाई कांट वी डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम क्यों नहीं वुड खा सकते। आपको पता है हम वुड नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, सेल्यूलेज एंजाइम ही तो सेल्यूलोज को तोड़ेगा और वो डाइजेस्ट करवाएगा। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सियोंक लगती है वुडन पे और वो वुड को खा सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके इंटेस्टाइन में, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में, वर्कर्स के इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोन होता है ट्राइकोनिम्फा, जो कि जिसके पास ये एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए यही रीजन है कि हमारे पास ये एंजाइम नहीं है तो ये इसको फीड करती है। ये व्हाट इज स्वार्मिंग, स्वार्मिंग क्या होती है, जब रेनी सीजन आता है तो जो ये ट्रू किंग और क्वींस होते हैं वो बहुत नंबर में प्रोड्यूस होते हैं कॉलोनी में, तो वो टर्मिटेरियम को लीव कर देते हैं, ये जो टर्मिटेरियम बनाया होता है उसमें होल्स कर देते हैं वर्कर्स, और उस मोरियो में से निकल के, होल्स में से निकल के अलग अलग साइड्स पे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वार्मिंग। स्वार्म हम बोलते हैं जब बहुत इकट्ठे, आपने स्ट्रीट लाइट्स पे देखा होगा जब एकदम से बारिश होती है तो स्ट्रीट लाइट्स पे बहुत सारे आपको इंसेक्ट्स इकट्ठे दिखते हैं, तो पहचाने नहीं जाते कि वो क्या है, बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, वो इन्हीं की एक बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, स्वार्म्स होते हैं उसको बोलते हैं, दे आर स्वार्म्स। ठीक है, अब ये अपनी नई कॉलोनी कैसे बनाते हैं, जब ये टू किंग और क्वीन जो है ये एक साइड पे, नई साइड पे जाते हैं, वहां पे किंग और क्वीन जो है मेट करेंगे, अपने विंग्स जो है वो शेड करेंगे, यही विंग्ड फॉर्म्स होती हैं, और वहां पे होल करके जो है ये नीचे अर्थ के नीचे चले जाएंगे और वहां अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर देंगे। क्वीन एग ले करेगी, ठीक है, इनिशियली तो ये एग्स का ध्यान रखते हैं, टेंड करते हैं, फिर जब उन एग्स में से वर्कर्स निकलते हैं, वर्कर्स अपना अपनी ड्यूटीज करने शुरू कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनको जब किंग और क्वीन को स्टार्टिंग में खाना नहीं मिलता तो ये अपने ही इनको एग्स को खाना शुरू कर देते हैं, दे आर ईटन बाय दी पेरेंट्स ओनली। तो किंग्स जो है, किंग और क्वीन जो है वो बीच बीच में टाइम पे, इंटरवल्स पे, जब उनको लगता है उनकी कॉलोनी की पॉपुलेशन कम हो रही है, वो मेट कर देता है उसके साथ, और क्वीन जो है और एग्स ले करती रहती है। तो क्वीन जो होती है वो उसका अबडोमन का साइज इतना बड़ा हो जाता है, 50 to 75 mm का हो जाता है, क्रीमी व्हाइट कलर का होता है, और वो हिल भी नहीं सकती है, और वो पैसिव लाइफ लीड करती है रॉयल चैम्बर में, ठीक है, जो नेस्ट के बिल्कुल सेंटर में बना होता है, उसको वर्कर्स आके उसको टेंड करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, सोल्जर्स उसको बचा के रखते हैं, और उसके अबडोमन में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स। अब डिपेंड करता है कि उसने फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करना है या अनफर्टिलाइज्ड, अगर उसको लगता है कि उसको वर्कर्स चाहिए तो वो फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज करेगी, और अगर उसको लगता है कि उसको ड्रोन, अगर उसको लगता है उसको सोल्जर्स प्रोड्यूस करना है तो वो अनफर्टिलाइज करेगी। बेसिकली क्वीन इज दी एग लेइंग मशीन। तो एक सेकेंड में वो 24 आवर्स में अराउंड 80,000 एग्स जो है वो ले कर सकती है, ठीक है, एंड देन मिलियंस ऑफ एग्स एक अपनी लाइफ में जो है एक फीमेल जो है वो ले कर सकती है। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसकी फीडिंग रुक जाती है और वो मर जाती है स्टार्वेशन से, उसकी बॉडी जो है आसपास जो प्रेडेटर्स होते हैं वो खा लेते हैं आके, और उसके बाद ये आपको, ये आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखो टर्माइट की, ये आपने वैसे भी प्रैक्टिकल्स में भी करी हुई है, जो बॉडी होती है वो हेड थोरेक्स एब्डोमन में है, इंसेक्टा है, ठीक है, हेड पे आपको वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट दिखेंगे, पेयर एंटीना का दिखेगा, देन आपको थोरेक्स पे 3 pairs ऑफ लेग्स दिखेंगे, प्रो लेग, मीजो लेग, मेटा लेग्स, 2 pairs ऑफ विंग्स होंगे इसमें, 4 wings और हाइंड विंग्स होंगे, लेकिन ये इक्वल लेंथ के होंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड में इसके पास जो होगा ये इनर सर्कल होता है जो कि इसमें हेल्प करता है। तो टर्माइट्स जो हाईली डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सो टर्माइट्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, तो
क्योंकि वो सेल्यूलोस खाती हैं, तो अब उनको अगर वुड खानी है तो वो अटैक करती हैं हमारे सारे सॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स को, हमारी वुड्स को, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, फर्नीचर, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, बुक्स एंड पेपर्स, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स जहाँ पे उगाई जाती हैं, वीट, राइस वगैरह हो गए, फ्रूट्स को, की लकड़ियों को डैमेज करती हैं, तो जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं ड्राई होके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वीन, ये देखो ये इसका जो एब्डोमेन होता है एज कम्पेयर टू क्वीन जो है वो कितना ज़्यादा स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके इस एब्डोमेन में सिर्फ क्या रहेगा, पैक्ड एग्स रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन में क्या जरूरत है, वो या तो फर्टिलाइज्ड एग ले करेगी या तो अनफर्टिलाइज्ड एग ले करेगी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट्स। सो ये टर्मिटेरियम है जो आपको दिखते हैं, जो बाहर ग्राउंड में आपको ऊपर वाली एरिया में दिखता है, ये टर्मिटेरियम का अंदर का एरिया दिखाया हुआ आपको, फंगस कॉम्स, गैलरीज है, रॉयल सेल है, ये डिफरेंट कास्ट टर्माइट्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है, और ये देखो ये इतनी बड़ी क्वीन है और इसके आसपास जो है नेस्यूट्स हैं, वर्कर्स एंड सोल्जर्स हैं।